Hello everyone, in this video we will be solving the previous year GATE computer science questions, and this topic is graph theory from the subject discrete mathematics. So let us solve these questions one by one. So this is the very first question. So this question, what they are asking is the number of distinct simple graphs with up to 3 nodes. Agar aapke paas 3 node hai, maximum up to 3 nodes. So this word is up to, it is very important. कि अगर आपके पास अप टू 3 नोड्स हैं तो आपके पास कितने सिंपल ग्राफ्स बन सकते हैं. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल विद 1 नोड. अगर आपके पास सिर्फ एक ही नोड है तो उसमें कितने सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल है. सेकंड, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ पॉसिबल विद 2 नोड्स. 2 नोड्स के साथ कितने सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल हैं. एंड थर्ड, द नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल विद 3 नोड्स, कि 3 नोड्स के साथ कितने सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल है. अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर आस्किंग अबाउट अनलेबल्ड ग्राफ, यानी कि ऐसे ग्राफ जिनमें हमने नेमिंग नहीं करी, अनलेबल्ड है. दे आर ओनली आस्किंग अबाउट अनलेबल्ड ग्राफ, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द लेबल्ड ग्राफ. तो अगर आपके पास सिर्फ एक नोड है तो आपके पास सिर्फ एक ही ग्राफ पॉसिबल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही वर्टेक्स आएगा. अगर आपके पास दो नोड है तो आपके पास दो ग्राफ पॉसिबल है, पहला जिसके अंदर दोनों वर्टिसेस किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, और दूसरा ग्राफ जिसमें दोनों वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, लाइक दिस. अगर आपके पास 3 नोड्स हैं तो 3 नोड के साथ देयर आर आई थिंक 4 ग्राफ्स आर पॉसिबल, जैसे कि पहला जिसमें कोई भी कनेक्टेड नहीं है ग्राफ, दिस इज द फर्स्ट ग्राफ. दिस इज द सेकंड ग्राफ जिसके अंदर एक एज कनेक्टेड है, किसी भी दो वर्टिसेस के साथ एक एज कनेक्टेड है. दिस इज द थर्ड ग्राफ जिसके अंदर आपके पास दो एजेस कनेक्टेड है, किसी भी दो वर्टिसेस के साथ दो एजेस कनेक्टेड है. और ये आपका फोर्थ ग्राफ होगा जिसमें सभी तीनों एजेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं. ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि टोटल कितने ग्राफ पॉसिबल है विद अप टू 3 नोड. तो कितने होंगे विद 1 नोड वाले प्लस 2 नोड्स वाले प्लस 3 नोड्स वाले, सो विच इज इक्वल टू टोटल 7. यानी कि अप टू 3 नोड्स के साथ टोटल 7 डिफरेंट और डिस्टिंक्ट सिंपल ग्राफ्स आर पॉसिबल. देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. Now let us look at the second question here. So second question is saying that how many undirected graphs can be constructed out of a given set of vertices with given set with n vertices. In n vertices के साथ कितने undirected graphs possible हैं? अब देखो यहाँ पर और पिछले question में there was a major difference. In previous question they were asking about unlabeled vertices, जिसमें वर्टिसेस का हमने कोई भी नाम नहीं दिया है. लेकिन इन दिस क्वेश्चन दे आर ऑलरेडी गिवन द लेबल्स. तो यहाँ पर हमें लेबल्ड वर्टिसेस हैं कि हमें ऑलरेडी पता है कि वर्टिसेस के नाम क्या होंगे. सो वी नो वर्टेक्स विल बी v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn. तो यहाँ पर ये लेबल्ड वर्टिसेस की बात कर रहे हैं. अब उन्होंने बोला कि कितने ग्राफ पॉसिबल हैं विद n वर्टिसेस. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट अस सपोज कि आपके पास n इज इक्वल टू 1. अगर आपके पास n इज इक्वल टू 1 है तो कितने ग्राफ पॉसिबल. अगर आपके पास सिर्फ एक ही वर्टेक्स है तो जिसके अंदर वर्टेक्स v1 है तो एक ही ग्राफ पॉसिबल है. लेकिन अगर n इज इक्वल टू 2 है, यानी कि आपके पास दो वर्टिसेस हैं, तो वर्टेक्स v1 और वर्टेक्स v2, तो अब आपके पास इस केस में दो ग्राफ पॉसिबल है. पहले ग्राफ में दोनों वर्टिसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, और दूसरे ग्राफ में जो वर्टिसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. लेकिन अगर मैं बोलता हूँ n इज इक्वल टू 3, यानी कि अगर आपके पास 3 वर्टिसेस हैं तो उस केस में क्या हो सकता है. पहला ग्राफ जिसमें से तीनों के तीनों वर्टिसेस किसी से भी कनेक्टेड नहीं है. सेकंड ग्राफ जिसमें दो वर्टिसेस कनेक्टेड है, तो जैसे वर्टेक्स v1 v2 और v3 है, तो लेट अस अज्यूम वर्टेक्स v1 और v2 कनेक्टेड है. ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास वर्टेक्स v1 और v3 कनेक्टेड हो. ऐसा भी तो हो सकता है कि वर्टेक्स v2 और v3 कनेक्टेड हो, राइट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास इस तरीके से 3 ग्राफ पॉसिबल हैं जब आपके पास सिर्फ एक एज एग्जिस्ट करती है. विद 1 एज यू हैव 3 ग्राफ्स दैट आर पॉसिबल. इन द सेम वे वी हैव टू सेलेक्ट कि अगर हमारे पास दो एजेस हैं किसी भी ग्राफ के अंदर तो कितने ग्राफ्स पॉसिबल है. तो अगर आपके पास दो एजेस हैं तो एज्यूम v1 और v2 को हमने कनेक्ट कर दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि v2 और v3 को कनेक्ट कर दिया, राइट. v1 v2 और v3. ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने v1 v3 और v2 को कनेक्ट कर दिया,
राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तीन आपके पास ग्राफ्स पॉसिबल हैं, और अगर आपके पास टोटल यहाँ पर तीन एजेस हैं तो आपके पास एक ही ग्राफ पॉसिबल है जहाँ पर ये तीनों वर्टिसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इस केस में अगर आप काउंट करेंगे कि कितने आपके पास टोटल ग्राफ पॉसिबल हैं, तो दिस इज ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 4, ग्राफ नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो इस केस में टोटल आपके पास 8 ग्राफ पॉसिबल है। अगर n की वैल्यू 2 है तो उसके इसमें 2 ग्राफ पॉसिबल है, अगर n की वैल्यू 1 है तो उसके इसमें सिर्फ एक ही ग्राफ पॉसिबल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम दिस केस, कि अगर आपके पास कुछ नंबर ऑफ वर्टिसेस, अगर मैं बोलता हूँ कि n की वैल्यू अगर 4 है तो इस केस में कितने ग्राफ पॉसिबल होंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि अगर n की वैल्यू 4 है तो उस केस में क्या होगा, और फिर हम उस फॉर्मूले को प्रीवियस केस में ट्रेस बैक करेंगे। ठीक है, सो इफ़ यू हैव वैल्यू 4, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस आइडेंटिफाई कि अगर आपके पास n की वैल्यू 4 है तो आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ क्या हो सकता है। सो वी हैव वर्टेक्स v1, v2, v3 एंड v4। तो अगर n की वैल्यू 4 है सो दिस विल बी योर कंप्लीट ग्राफ, और उस कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस विल बी टोटल ऑफ 6। ओके, सो दिस इज k4, दैट इज कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टिसेस, एंड नंबर ऑफ एजेस इन दिस केस, नंबर ऑफ एजेस इन दिस केस विल बी इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, सो विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6, राइट। तो आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस केस में आपके पास टोटल 6 एजेस पॉसिबल हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आपके पास इस तरह का एक ग्राफ पॉसिबल है जहाँ पर आपके पास 6 एजेस हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर कि किसी भी केस में अगर इसका कोई भी सब ग्राफ होगा, जैसे कि ये जो है, ये सभी जो है वो इस ग्राफ के सब ग्राफ है, राइट। सो दिस इज योर मास्टर ग्राफ विच इज अ कंप्लीट ग्राफ विथ 3 वर्टिसेस, और ये सभी ग्राफ्स हैं वो इसके सब ग्राफ हैं। तो किसी भी सब ग्राफ के अंदर हर एक एज के पास चॉइस है, आइदर दिस एज विल बी देयर इन द सब ग्राफ और विल नॉट बी देयर, आइदर दिस एज विल बी देयर इन द सब ग्राफ और इट विल नॉट बी देयर, आइदर दिस एज विल बी देयर इन द सब ग्राफ और इट विल नॉट बी देयर। तो हर एक एज के पास 2 चॉइसेस हैं, राइट। तो इसी तरीके से अगर आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ है 4 वर्टिसेस का, तो इसके जितने भी सब ग्राफ होंगे उसके लिए हर एक एज के अंदर 2 चॉइसेस हैं कि ये जो सभी एजेस हैं क्या वो एच उस ग्राफ के अंदर होंगी या फिर नहीं होगी। तो अगर आप नंबर ऑफ चॉइसेस की बात करेंगे तो इसके पास 2 चॉइस हैं, इसके पास 2 चॉइस हैं, इसके पास 2 चॉइस हैं, इसके पास भी 2 चॉइसेस हैं, इसके पास भी 2 चॉइसेस हैं, और इसके पास भी 2 चॉइसेस हैं। तो नंबर ऑफ चॉइसेस विल बी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 2^6। सो 2^6 का मतलब है 2^ नंबर ऑफ एजेस, जितनी भी एजेस होंगी वो हमारे पास पावर के अंदर आएंगी। इन द सेम वे अगर हमारे पास टोटल n वर्टिसेस हैं, सो विद द हेल्प ऑफ n वर्टिसेस देयर इज n इनटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 एजेस आर पॉसिबल इन इन कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस, और हर एक एज के पास 2 चॉइसेस हैं, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी n इनटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब इस ऑप्शन को वेरीफाई भी कर सकते हैं सभी केसेस में। अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ पर वेरीफाई करते हैं तो क्या होगा, 2^3 × 3 − 1 / 2 विच इज इक्वल टू 2^6 / 2 विच इज 2^3, और 2^3 वैल्यू होती है आपके पास 8 जो कि यहाँ से वेरीफाई हो रही है। इन द सेम वे आप इन सभी ऑप्शंस को इन सभी केसेस में वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो करने के 2 तरीके हुए। पहला, जो हमने इस तरीके से पूरे फॉर्मूले को डिराइव किया, आप फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। सेकंड वे क्या है कि आप सबसे पहले चेक करो कि नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ लेबल्ड ग्राफ विथ 1 वर्टेक्स कितना होगा, नंबर ऑफ लेबल्ड ग्राफ विथ 2 वर्टेक्स कितना होगा, नंबर ऑफ लेबल्ड ग्राफ विथ 3 वर्टेक्स कितना होगा। उसके बाद ये सभी फॉर्मूलेस को लगाने की कोशिश करो और चेक करो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि इन सभी n की वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि अगर हम n की वैल्यू 1 है तो क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये तीनों केसेस में अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इसमें से ऐसा कौन सा केस है जो इन सभी केसेस को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो आपका आंसर होगा। सो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। So this question is very very interesting. As you can see what they are asking here, they are saying how many n labeled graph
labeled vertices exist which can have at least these many edges. आपके पास अगर if how many graphs on n labeled vertices exist, यानी कि कितने graph exist करते हैं जहाँ पर n labeled vertices हैं, यानी कि vertices को हमने नाम दिया है जहाँ पर कम से कम इतनी edges होंगी. ठीक है, तो this question is very interesting. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें करना क्या है. हमें पहले तो ये देखते हैं कि अगर आपके पास n vertices हैं total, तो किसी भी graph के अंदर अगर n vertices हैं तो उस graph के अंदर कितनी edges होंगी. So number of edges will be n into n minus 1 divide by 2, which is basically n square minus n divide by 2. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कि अगर आपके पास एक complete graph है with n vertices तो उसके अंदर कितनी edges होंगी. अब हमें क्या करना है कि हमें ऐसे graph देखने हैं जहाँ पर इतनी edges में से हमें इतनी edges को select करना है, which is very easy. कैसे करेंगे हम लोग? We have to select these many edges out of these many edges. ठीक है, तो क्या होगा आपके पास? n square minus n divide by 2 c n square minus 3n divide by 2. तो ये एक ऐसा graph हुआ जहाँ पर हमें total इतनी edges में से इतनी edges को हमने select किया. लेकिन जो question है, question में कुछ और पूछना चाहता है, right? Question में क्या पूछना चाहता है? What is the at least? ये जो word है at least, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वर्ड के अंदर कन्फ्यूजन कर देंगे, राइट? अगर आपने इस वर्ड को मिस कर दिया देन यू विल से सर ऑप्शन ए इज़ द आंसर, बट एक्चुअल में ऑप्शन ए आंसर नहीं है, बिकॉज एटलीस्ट का मतलब है कि आपके पास इतनी एजेस भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा एजेस भी हो सकती हैं, इससे दो तीन एजेस ज़्यादा भी हो सकती हैं. तो आपको देखना है कि टोटल कितने ऐसे क्लास पॉसिबल हैं. तो लेट अस से कि आपके पास हम दो वैल्यूज को लेते हैं. लेट अस सपोज वी हैव वैल्यू एक्स विच इज एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय टू, यानी कि मैक्सिमम कितनी एजेस हो सकती हैं. एंड देन वी हैव अ वैल्यू वाई विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस थ्री एन डिवाइड बाय टू. ये है कि आपको कम से कम कितनी एजेस चाहिए. ये मैक्सिमम एजेस हैं और ये है कि आपके पास मिनिमम आपको इतनी एजेस चाहिए, राइट? इससे ज़्यादा भी एजेस हो सकती हैं. तो जो भी हमारे ग्राफ हैं दे विल बी हैविंग लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू दीज मेनी एजेस. ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास इतनी एजेस तो क्या होगा? एक्स सी वाई प्लस. आपके पास ऐसा ग्राफ हो सकता है जिससे एक एज ज़्यादा हो. सो एक्स सी वाई प्लस वन प्लस एक्स सी वाई प्लस टू प्लस अप टू सो ऑन एक्स सी एक्स. अगर आपको ये इक्वेशन समझ में नहीं आई है हाउ आई गॉट दिस इक्वेशन, लेट मी एक्सप्लेन यू कि इक्वेशन कैसे आई. तो सबसे पहला, ये जो आपके पास एक वैल्यू है इसका मतलब क्या है कि आपके पास मैक्सिमम इतनी एजेस हो सकती हैं जिसमें से हमें इतनी एजेस को सेलेक्ट करना है, इतनी एजेस को चूज करना है किसी भी ग्राफ के अंदर. सेकेंड केस में आपके पास मैक्सिमम इतनी एजेस हो सकती हैं जिसमें से हमें इतनी एजेस को सेलेक्ट करना है किसी भी ग्राफ के अंदर, राइट? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट दे आर आस्किंग इज एट लीस्ट, यानी कम से कम इतनी एजेस हों. इससे ज़्यादा भी, एक एज ज़्यादा भी हो सकती है, दो एज ज़्यादा भी हो सकती हैं, यानी कि सभी की सभी एजेस भी हो सकती हैं. तो सबसे पहले आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए कि वो एट लीस्ट पूछना चाहता है, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट एग्जैक्टली. एट लीस्ट, एग्जैक्टली, एट मोस्ट, ये तीनों वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप इन तीनों वर्ड्स को मिस करेंगे देन ऑब्वियसली यू विल मेक मिस्टेक. तो वी हैव एट लीस्ट, वी हैव एग्जैक्टली एंड वी हैव एट मोस्ट. ठीक है, तीनों केसेस में आंसर डिफरेंट होगा. जब एग्जैक्टली बोलेंगे एग्जैक्टली में आंसर होगा एक्स सी वाई, बिकॉज ये वाली वाई की वैल्यू है और ये एक्स की वैल्यू है. अगर एट लीस्ट की बात करेंगे तो होगा एक्स सी वाई प्लस एक्स सी वाई प्लस वन प्लस एक्स सी वाई प्लस टू अप टू सो ऑन एक्स सी एक्स. अगर एट मोस्ट की बात करेंगे तो होगा एक्स सी जीरो प्लस एक्स सी वन प्लस एक्स सी टू अप टू सो ऑन एक्स सी वाई. तो वो हमारे एट मोस्ट में आंसर होगा. तो इन्होंने पूछा है एट लीस्ट. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, इन दिस केस वी कैन ऑल्सो राइट ईच ऑफ दीज इक्वेशंस इन वन मोर फैशन. आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं. कैसे? अगर हम बोलते हैं वी हैव फोर सी थ्री, तो फोर सी थ्री इज इक्वलेंट टू फोर सी वन. ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वलेंट होती है, राइट? बिकॉज अगर मैं बोलता हूँ एक्स सी वाई, इसका मतलब है एक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई फैक्टोरियल इंटू वाई फैक्टोरियल. अब आप इसके अंदर ये ऊपर वाली उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें एंड देन यू विल फाइंड आउट कि आपके पास जो दोनों जो वैल्यूज हैं दे विल बी सेम. सो इन द सेम वे आई कैन ऑल्सो चेंज दिस इक्वेशन एज एक्स सी, दिस इज
x minus y plus x c x minus y minus 1 plus x c x minus y minus 2 up to so on x c 0. तो सेम इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटर्न दिस वे. इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर सो फार. इसमें अब तक कोई भी इशू नहीं होगा. करेक्ट. अब आपको याद होगा तो आई टोल्ड यू समथिंग कि राइट. सो अब ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ और इस इक्वेशन की बात करता हूँ, तो इन इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू n. अगर मैं x माइनस वाई को n कहूँगा तो इक्वेशन हो जाएगा x c n प्लस x c n माइनस 1 प्लस x c n माइनस 2 अप टू सो ऑन x c 0. तो दिस सेम इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड टू दिस फॉर्मेट. इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इफ दिस सेम इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड टू दिस फॉर्मेट, तो आप इसको कुछ ऐसा भी तो बोल सकते हैं सर कि ये जो है दिस इज समीशन ऑफ एक्स सी के वेयर द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू जीरो टू एन. के की जो वैल्यू है वो जीरो से लेकर एन तक रहेगी. सो दिस विल बी योर इक्वेशन. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर आप एक्स की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे, इफ़ यू सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको पता है कि एक्स की वैल्यू क्या है. सो दिस विल बी समीशन ऑफ, सो दिस इज नॉट वाई, दिस इज के. सो दिस इज के. ओके, सो दिस इज के, सॉरी माई बैड. सो यहाँ पर होगा समीशन ऑफ के इज इक्वल टू जीरो टू एन n into n minus 1 divided by 2 ck. This will be your equation. And this equation is actually matching with the option number C. So you can see option number C will be a correct answer for this problem. If you still have any doubt regarding this question, please comment below on the comment section. Then I will still try and answer your doubts. Okay? So let us look at the next question. They're asking how many distinct binary search trees that can be created out of four distinct keys. आपके पास चार distinct key हैं, जैसे कि हमारे पास keys हैं 1, 2, 3 and 4. अगर आपके पास ये चार key हैं तो इससे कितने binary search tree possible हैं. तो इससे कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सी इट इज़ दे टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री. तो जो भी आप ट्री बनाओगे तो उसके अंदर बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए. जैसे कि आपके पास अगर कोई रूट नोड है तो उसके अंदर लेफ्ट के अंदर जो डेटा होगा वो लेस देन डेटा होगा या फिर इक्वल टू डेटा होगा, और राइट के अंदर ग्रेटर देन डेटा होगा. राइट, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कितने बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल हैं. जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि अगर हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री कुछ इस तरीके से है, इफ़ आई टेक एनी रैंडम बाइनरी सर्च ट्री, सो देर विल बी ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वैल्यूज जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा. जैसे कि वी कैन हैव अ वैल्यू 2 हियर, वी कैन हैव अ वैल्यू 1 हियर, वी कैन हैव अ वैल्यू 4 हियर एंड वी कैन हैव अ वैल्यू 3 हियर. सो ओनली दिस स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन विल सेटिस्फाई दिस शेप. सिर्फ इस शेप को एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ही सेटिस्फाई करेगा. अब हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ अनलेबल्ड बाइनरी ट्री कितने होते हैं. अनलेबल्ड बाइनरी ट्री विद एन नोड्स कितने होते हैं, कितने होते हैं आपके पास. हमने ऑलरेडी इस फॉर्मूले को किया है, सो विच इज़ 2NCN डिवाइड बाय n प्लस 1. और इसको हम इस फॉर्मूले से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 2N फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल. अगर मैं इसको सेम क्वेश्चन को चेंज करूँ, नंबर ऑफ लेबल्ड बाइनरी ट्री, नंबर ऑफ लेबल्ड बाइनरी ट्री विद n नोड्स कितने होंगे उस केस में, तो आप इस वैल्यू को n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज 2NCN मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2N फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल. तो ये हमारे पास आंसर होता है.
अब बिकॉज यहाँ पर पूछा है कि इट इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री, तो बाइनरी सर्च ट्री का मतलब क्या है कि जो भी आपकी कोई भी एक रैंडम शेप बनाएंगे, इवन आप अगर आप इस रैंडम शेप को भी बनाएंगे तो इस तरह की सिर्फ एक यूनिक शेप बन सकती है बिकॉज ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वैल्यूज विल सेटिस्फाई दिस शेप। आप इसके अलावा कोई और तरीके से इन वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो एक तरीके से अगर पूछा जाए, देखा जाए, तो ये सिर्फ अनलेबल्ड की ही बात कर रहे हैं बिकॉज फॉर एनी स्पेसिफिक शेप, देखो अनलेबल्ड में क्या होता है कि हम एक शेप की बात करते हैं, तो कोई एक स्पेसिफिक शेप के लिए सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन वैलिड होगा और वही कॉम्बिनेशन चलेगा। तो यानी कि ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला विल बी वैलिड फॉर दिस केस। तो वैल्यूज कितने हो जाएगी, 4 × 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 + 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, जो होगा आपके पास 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 4 × 3 × 2। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसल एंड 3 × 2 से 6 कैंसल, 4 से ये जाएगा 2 पर, सो यूर गेट द आंसर विच इज़ 14। तो यानी कि द करेक्ट आंसर विल बी 14। देर विल बी 14 बाइनरी ट्रीज विच यू कैन क्रिएट फ्रॉम दीज मैनी डिस्टिंक्ट कीज। सो 14 बाइनरी सर्च ट्री दैट यू कैन क्रिएट फ्रॉम दीज मैनी कीज, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। Now let us look at the next question, and this is also very very interesting question here. What they are asking is, let G be a complete undirected graph of 6 vertex. आपके पास एक graph है जो एक complete undirected graph है 6 vertices के साथ, तो आपके पास number of vertices will be 6, like this. Okay, so I guess this is total of 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and they are saying it is complete, so all the edges will be there. So how many number of edges will be there? So in a complete undirected graph with 6 vertices, there will be 6 × 5 divided by 2 edges, which is equal to 15. तो ये formula हम already कर चुके हैं, which is n × n-1 divided by 2. ठीक है, तो इतनी आपके पास edges होंगी. Now the number of distinct cycle of length 4 is, तो उन्होंने बोला कि length 4 की कितनी cycles बन सकती हैं. तो सबसे पहले कुछ label देते हैं इन लोगों को. So यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है. तो सबसे पहले अगर आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अगर आपके पास 4 वर्टिसेस हैं, अगर इसका एक सब ग्राफ लेता हूँ जिसके अंदर 4 वर्टिसेस हैं, देखो उन्होंने लेंथ 4 की साइकिल को पूछा है, तो अगर आपके पास लेंथ 4 की साइकिल है तो उस केस में ओनली 4 वर्टिसेस विल बी इन्वॉल्व, ओनली 4 वर्टिसेस विल बी इन्वॉल्व, विल बी इन्वॉल्व, सिर्फ 4 वर्टिसेस ही इन्वॉल्व होंगे. सो लेट अस अज्यूम कि हम इसमें से एक सब ग्राफ लेते हैं जिसमें 2, 3, 4 and 5 ये वर्टिसेस सब ग्राफ के अंदर. नाउ इन दिस सब ग्राफ यू हैव द फॉलोइंग एजेस, ठीक है, ये सभी एजेस आपके पास हैं. अब इसमें से आप क्या क्या साइकिल्स बना सकते हो. एक साइकिल होगी आपकी कुछ इस तरीके से, विच इज़ 2, 3, 4 and 5. एक साइकिल आपकी कुछ इस तरीके से होगी, राइट, सो विच इज़ 2, 3, 4 and 5. और एक साइकिल आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो, विच इज़ अगेन 2, 3, 4 and 5. तो हम यहाँ से चेक कर सकते हो, देर ओनली 3 यूनिक साइकिल्स आर पॉसिबल. इन 3 के अलावा आप कोई भी यूनिक साइकिल्स को नहीं बना सकते. देर इज़ नो मोर देन 3 यूनिक साइकिल्स आर पॉसिबल. तो इस केस में सबसे पहले आपको तो ये देखना पड़ेगा कि आपके पास 4 वर्टिसेस को कितने ऐसे आउट ऑफ 6 वर्टिसेस, हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 4 वर्टिसेस. सो How many ways you can select 4 vertices out of 6 vertices. अब 4 vertices को 6 vertices में से 4 vertices को कितने तरीके से select कर सकते हैं. So why? Because only those 4 vertices will be included in the cycle. तो कितने तरीके से कर सकते हैं, So 6C4 इतने तरीके से आप वो select कर सकते हैं, which is equal to 6 factorial divide by 4 factorial into 2 factorial, which is equal to 6 × 5 × 4 factorial divide by 4 factorial into 2, and this value will be total 15. So there are 15 ways, aur jitne 15 ways mein aap set karenge, from every way total aapke paas 3 unique cycles hi ban payengi, only 3 unique cycles for 4 vertices,
राइट. सिर्फ तीन ही यूनिक साइकिल बन पाएगी, देयर फोर नंबर ऑफ साइकिल्स विल बी 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू टोटल 45. तो टोटल इस केस में आपके पास मैक्सिमम 45 साइकिल्स ही हो सकती हैं, 45 से ज़्यादा साइकिल्स नहीं हो सकती. नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर ये जो साइकिल है यहाँ पर तीन की जगह पर 6 भी तो हो सकता था. देखो यहाँ पर तीन की जगह पर 6 नहीं हो सकता था, वाई? बिकॉज अगर आप साइकिल को कुछ ऐसे काउंट करो 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूँ तो अगर आप साइकिल को कुछ ऐसे काउंट करो कि 2 से 3 पर जा रहे हैं, 3 से 4 पर, 4 से 5 पर और 5 से 2 पर, या फिर अगर आप साइकिल कुछ ऐसे काउंट करते हैं 2 से 5 पर, 5 से 4 पर, 4 से 3 पर और 3 से 2 पर. तो बेसिकली जो दोनों ऑर्डर हैं ये दोनों ऑर्डर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी कि एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है. इवन दो इट इज़ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बोथ द साइकिल्स आर फॉलोइंग द सेम पाथ. तो ये दोनों एक ही साइकिल की तरह काउंट होगा. तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा सोच सकते हैं कि सर यहाँ पर एक क्लॉकवाइज साइकिल होगी, एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगी, तो तीन की जगह पर 6 होना चाहिए, बट नहीं, 6 नहीं होंगे, दस ओनली 3 आर पॉसिबल. सो करेक्ट आंसर विल बी 45 फॉर दिस क्वेश्चन. और जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सो यू कैन सी ऑन इन दिस ईयर आपको सभी को फ्री मार्क्स मिले थे फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. तो यहाँ पर 90 विल नॉट बी अ करेक्ट आंसर, 45 विल बी अ करेक्ट आंसर. आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. नाउ लेट अस लुक एट मोर क्वेश्चंस. सो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. अ ग्राफ जी इज इक्वल टू वी कॉमा ए सेटिस्फाइज नंबर ऑफ एजेस इज लेस देन इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 6. सो बेसिकली हमारे पास एज का सेट होता है एंड दिस इज डिनोटिंग द कार्डिनलिटी ऑफ दैट एज. दैट मीन्स कि कितनी नंबर ऑफ एजेस हैं और ये दिखा रहा है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं. नाउ दे आर आस्किंग द मिनिमम डिग्री जी इज डिफाइंड एज मिनिमम डिग्री. आई मीन जितने भी डिग्री है हर एक वर्टिस की, उस समय से सबसे जो मिनिमम डिग्री है उसको हमने लेना है. Therefore, the minimum degree of G cannot be. उस ग्राफ के अंदर जो किसी भी वर्टेक्स है उसकी मिनिमम डिग्री इसमें से क्या नहीं हो सकती. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. सो मैं दोनों तरीकों को यहाँ पर डिस्कस करूँगा. सो बोथ द मेथड्स. सो फर्स्ट इज योर मेथड नंबर 1 और यहाँ पर आई एम गोइंग टू डिस्कस द मेथड नंबर 2. तो आप दोनों में से देख सकते हैं, वट एवर यू आर फीलिंग कम्फर्टेबल, जिस भी मेथड से आप कम्फर्टेबल लगे, इन दैट वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो मेथड नंबर 1 में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम एवरेज डिग्री थ्योरम का यूज करेंगे. ओके, सो व्हाट इज दिस एवरेज डिग्री थ्योरम? सो लेट अस अज्यूम अल्फा जो है वो किसी ग्राफ में मिनिमम डिग्री को शो करता है एंड दिस बीटा रिप्रेजेंट्स व्हाट इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स. ठीक है, सो एवरेज डिग्री जो है वो हमेशा किसी भी ग्राफ के लिए मिनिमम डिग्री से ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगी और मैक्सिमम डिग्री से लेस देन और इक्वल टू रहेगी. और हमें क्लियरली पता है कि इस एवरेज डिग्री का फॉर्मूला क्या है. सो दैट इज 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वर्टिसेस. दिस इज योर एवरेज डिग्री थ्योरम. तो इसको हम ऑलरेडी क्लासेस में कवर कर चुके हैं. नाउ लेट अस अज्यूम कि हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है वो मिनिमम डिग्री है. लेट एवरी वर्टेक्स in the graph is having a same degree, is having same degree which is equal to alpha. यानी कि हर एक vertex की जो degree है वो minimum है, हर एक vertex जो है वो minimum degree के साथ है. In that case आपके पास जो number of edges आएंगी, number of edges यानी कि ये जो value है, this will be equal to अल्फा मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वर्टिसेस डिवाइड बाय 2. अब ये वैल्यू हमने कैसे ली सर, ये वैल्यू कैसे आई? यू कैन आस्क मी सर हाउ यू गॉट दिस वैल्यू. सो यू नो कि हमारे पास एक डिग्री थ्योरम होती है, राइट. सो क्या होता है कि जब भी आप किसी भी ग्राफ को बनाते हैं, जैसे कि एक आपके पास एक ग्राफ है जिसमें एक वर्टेक्स ए है, दिस इज वर्टेक्स बी एंड दिस इज वर्टेक्स सी, और इस ग्राफ में आपके पास तीन एजेस हैं. सो एज 1, एज 2 एंड वी हैव एज 3. अगर हम कोई भी एज बनाएंगे तो कोई भी एज दो बार डिग्री में कंट्रीब्यूट करती है, एक बार उसके एक एंड पे और फिर दूसरी बार उसके दूसरे एंड पे. अगर आप चेक करोगे कि यहाँ पर वर्टेक्स ए की डिग्री कितनी है 2, वर्टेक्स बी की डिग्री कितनी है 2 और वर्टेक्स सी की डिग्री कितनी है आपके पास 2 और नंबर ऑफ एजेस कितनी है आपके पास, टोटल 3 एजेस हैं. ठीक है,
अब अगर बोलते हो थ्री एजेस और हर एक एज जो है दो बार डिग्री में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो टोटल डिग्री होगी ग्राफ में वो 2 × 3 यानी कि 6 के इक्वल होगी। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, वर्टेक्स ए की डिग्री प्लस वर्टेक्स बी की डिग्री प्लस वर्टेक्स सी की डिग्री विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि टोटल ग्राफ में डिग्री कितनी है। और अगर आप इसी वैल्यू को, जो भी आपके पास ये वाली वैल्यू मिली है यानी कि 6 जो वैल्यू मिली है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास टोटल कितनी एजेस हैं। तो यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया है कि आपके पास जो अल्फा है, अल्फा दिखाता है कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है मल्टीप्लाइड बाय वी यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्टेसेस कितनी है। तो इससे क्या निकलेगा हमारे पास, टोटल डिग्री। इससे निकलेगा हमारे पास टोटल डिग्री इन द ग्राफ, और उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसे निकल जाएगा हमारे पास उस ग्राफ के अंदर कितनी एजेस हैं, राइट। सो यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा आपके पास कि अल्फा मल्टीप्लाइड बाय वी डिवाइड बाय 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 × नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 6। अब इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं, तो यू कैन से अल्फा मल्टीप्लाइड बाय वी इज लेस देन इक्वल टू 6 × v − 12। तो ये वाला आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पर ये जो वैल्यू 3 है, राइट, सो दिस 3 इज रिप्रेजेंटिंग अ मिनिमम डिग्री विच इज अल्फा। अब इस 3 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो जैसे अल्फा की जगह पर, एंड देन यू कैन चेक कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो यहाँ से वेरीफाई हो रही है। सो आई हैव वेरी लेस स्पेस, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। सो लेट मी यूज दिस स्पेस ऑल्सो। सो ऑप्शन नंबर 1 में आपके पास अल्फा की वैल्यू है 3, तो यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा 3 × नंबर ऑफ वर्टिसेस इज लेस देन इक्वल टू 6 × नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 12, जहाँ से आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस विल बी इक्वल टू 3 × नंबर ऑफ वर्टिसेस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, राइट। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पर लेकर जाएंगे और इस वैल्यू को यहाँ पर लेकर जाएंगे, राइट। तो उससे आएगा आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है, सो दिस वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो ये आपके पास जो फर्स्ट केस है वो वैलिड है। अब अगर आप सेकंड केस को चेक करेंगे तो इन द सेकंड केस अल्फा इज इक्वल टू 4, तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 × नंबर ऑफ वर्टिसेस इज लेस देन इक्वल टू 6 × नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 12, जिससे जो आपकी वैल्यू निकलेगी दैट विल बिकम नंबर ऑफ 2 × नंबर ऑफ वर्टिसेस, राइट। सो विच यू कैन से नंबर ऑफ वर्टिसेस शुड बी ग्रेटर देन 6। तो ये आपके पास वैल्यू निकलेगी। अगर आप थर्ड केस में चेक करेंगे, थर्ड केस में क्या आएगा आपके पास, अल्फा इज इक्वल टू 5, so that means 5 × number of vertices is greater than is less than 6 × number of vertices minus 12, therefore we can say number of vertices should be greater than equal to 12, right। और अगर आप फोर्थ केस को चेक करेंगे तो वहां से आएगा आपके पास 6 × number of vertices is less than equal to 6 × number of vertices minus 12, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, सो इट मीन 0 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 12। तो अब यहाँ से देख सकते हो दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकन्सिस्टेंट, ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये इनकंसिस्टेंट है। सो यू कैन सी ऑप्शन नंबर डी इज नॉट अ करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं है। सो इन दिस वे यू कैन प्रूव कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दे रहा, सो देयरफॉर इट कैन नॉट बी एन आंसर। सो दिस इज योर मेथड नंबर 1। नाउ लेट अस लुक एट द मेथड नंबर 2। सो वी हैव सेकंड अप्रोच, वी हैव मेथड 2, so that is your second approach, and how can you do this same question in the second approach। so second approach mein you can see ye jo equation hamare paas given hai which is number of edges is less than equal to 3 × number of vertices minus 6, so this is an equation for a planar graph, to ye sirf planar graph mein hi valid hai, this equation is valid only on the planar graph। to yahi se aapko solution mil jayega ki agar aapke paas koi bhi planar graph hai, if you remember the property, तो वहाँ पर आप directly कह सकते हो D is answer, but again leave it, so let us prove this question कि यहाँ पर value क्या हो सकती है, ठीक है। तो हमें पता है कि आपके पास जो minimum degree theorem है वो क्या बोलता है कि alpha should be less than equal to 2 × number of edges divided by number of vertices which is less than equal to beta, beta is the maximum degree, alpha is the minimum degree and 2 × number of 2 × e divided by n is your average degree। तो ये हमें already पता है, right, और हमें ये वाली इक्वेशन भी पता है, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ई यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 2 × 3
into number of vertices, let us suppose, which is n minus 6 divide by n. तो ये वाली वैल्यू आपके पास आएगी. तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू आपके पास, 6 into number of n minus 12 divide by n, करेक्ट. तो आप बोलोगे अल्फा शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 minus 12 divide by n. तो ये एक आपके पास एक इक्वेशन आई है. अब इस इक्वेशन में देयर टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, यानी कि अगर आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस इनफाइनाइट है, इन दैट केस अल्फा शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 12 डिवाइड बाय n. और ये जो वैल्यू है दिस विल बी वेरी क्लोज टू जीरो, ये जो वैल्यू है बहुत जीरो के क्लोज होगी. सो इन दैट केस यू कैन सी अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 6. बट द प्रॉब्लम इज we cannot have infinite vertices here. तो इस केस में यहाँ पर हमारे पास we can have infinite, but if I take a very large value of n, actually जो limit है, limit क्या show करता है, limit says it is a very large value. If n is equal, if number of vertices is very large, if number of vertices are very large, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, alpha should be less than equal to 6 minus this value will be very small, which is equal to 0.00000 something. राइट. तो ये जो वैल्यू आपके पास बनेगी, ये बनेगी अल्फा इज इक्वल टू 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5.9999 समथिंग, विच इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू. और बिकॉज अल्फा जो है इससे लेस देन होना चाहिए, और डिग्री जो हमेशा वो इंटीजर नंबर होती है, तो वी कैन से अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 5. अल्फा की वैल्यू 5 से कम कुछ भी चलेगी, अल्फा कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी वैलिड है, लेकिन वो 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो बेसिकली ये वाला केस इसलिए वैलिड नहीं है बिकॉज हियर वी एज्यूम कि जो लिमिट है उसकी वजह से ये जो वैल्यू है वो जीरो के क्लोज हो जाएगी. बट एक्चुअली दिस शुड बी वेरी क्लोज टू जीरो, विच शुड बी वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू. अगर ये जीरो के क्लोज होगी तो यहाँ से जो इक्वल टू वाला साइन है, ये इक्वल टू वाला साइन हट जाएगा. बिकॉज अगर आप लिमिट को यहाँ से हटाएंगे तो इक्वल टू वाला साइन यहाँ से हटेगा, तो आएगा अल्फा इज लेस देन 6. सो विच इज द सेकेंड वे दैट यू कैन गेट द आंसर. तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है. आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड पार्ट हियर. Second question. So in this question, what they are asking is, let the 2 raised power n vertices of a graph G corresponds to all the subset of a set of size n for n greater than equal to 6. 2 vertices of G are adjacent if and only if the corresponding sets intersect in exactly 2 elements. So the number of vertices of the degree 0 in the graph is, इस graph में कितने vertices होंगे degree 0 के. तो एक बार मैं आपको question को समझा देता हूँ, what they are asking in the question. तो एक graph, एक हम एक subset लेते हैं, let us suppose आपके पास एक set A है जिसके अंदर 3 elements है, 1, 2 and 3. अभी set A के subset क्या क्या हो सकते हैं, इसका एक subset है आपके पास 5, right? इसका 3 subset हो सकते हैं, 1, 2 and 3. और इसके subset क्या हो सकते हैं, which is 1, 2, 1, 3 and 2, 3. और इसके सबसेट क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3. तो ये इसके सबसेट हैं, दीज आर द सबसेट ऑफ दिस सेट, राइट. सो यू कैन से इट इज अ पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. नाउ दे आर सेइंग कि आपके पास जो भी इसके सबसेट हैं उनमें से एजेस तब होंगी, यानी कि हर एक जो सबसेट उसको हमने एक वर्टेक्स बना दिया ग्राफ के अंदर, वी मेड एवरी सबसेट एज ए वर्टेक्स इन द ग्राफ, ठीक है. और किसी भी दो सबसेट, यानी कि किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में एजेस तब होंगी जब उनका जो इंटरसेक्शन है वो एग्जैक्टली 2 एलिमेंट में रिजल्ट करेगा. जैसे अगर ये वाला वर्टेक्स है, यानी कि 1, 2, 3, इसका अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ 1, 2 से, तो आपके पास इंटरसेक्शन आएगा 1, 2, विच इज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, यानी कि इन दोनों के बीच में एक एज होगी. उसी तरीके से इसके बीच में एक एज होगी, उसी तरीके से इसके बीच में एक एज होगी. अगर वो एग्जैक्टली 2 एलिमेंट नहीं है तो वहाँ पर एजेस नहीं होंगी. जैसे कि अगर यहाँ पर आपके पास 2 एलिमेंट नहीं है तो इनके इंटरसेक्शन में कभी भी 2 एलिमेंट नहीं आएंगे, तो इनमें से किसी भी सबसेट के बीच में एजेस नहीं होंगे. तो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, अगर आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर एन है, या फिर कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है अगर वो 3 है, तो हमारे पास 4 ऐसे वर्टिसेस हैं जिनके अंदर कोई भी एजेस नहीं होंगे. कौन कौन से, वो सभी वर्टिसेस जिनकी सबसेट जिनकी कार्डिनलिटी 1 है, और वो सभी सबसेट जिनकी कार्डिनलिटी 2 है. तो ये किसी भी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे. तो अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट है, सो लेट अस सपोज वी हैव अ सेट A विच इज हैविंग एलिमेंट्स अप टू सो ऑन n, तो इसके अंदर ऐसे कितने सबसेट होंगे जिनकी कार्डिनलिटी 1 है. तो कार्डिनलिटी 1 सबसेट, कार्डिनलिटी
1 subset कितने होंगे यहाँ पर, so that will be total equal to n, and then cardinality 0 subset कितने होंगे, यानी कि ऐसे कितने subset होंगे जिसके अंदर कोई भी element नहीं है, so that will be equal to 1, right? तो एक ही subset होता है, वो होता है आपके पास 5, तो total आपके पास n plus 1 ऐसे subset होंगे जिनके अंदर कोई भी elements connected नहीं होंगे, या फिर ऐसी nodes होंगी जहाँ पर कोई भी edges नहीं है. तो इस question का जो correct answer है वो है option number C, यानी कि number of vertices of degree 0 in the graph. तो कौन से आपके पास, option number C is the correct answer, कि आपके पास n plus 1 ऐसे vertices होंगे जिनकी degree 0 है. ठीक है, I hope that you understood this question. अब इसी question की एक modification है यहाँ पर. तो इस question में what they are asking is the maximum degree of a vertex G in the graph. तो इस graph के अंदर किसी भी vertex की maximum degree क्या होगी, और बिलीव मी दिस क्वेश्चन इज मच मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़े से ज़्यादा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है. तो लेट अस सपोज कि हमारे पास अगर जो सेट है ए, उसके अंदर टोटल एन एलिमेंट है. सो हमारे पास है एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, एलिमेंट नंबर 4, अप टू सो ऑन एलिमेंट नंबर एन. और एक सेट है बी जिसके अंदर आपके पास कुछ और एलिमेंट है, which is element number, let us suppose x, element number y, element number z, element number m, element number n, like this, right? तो इस b की जो cardinality है, let us suppose वो है k, और इस a की जो cardinality है, वो है, let us suppose n. तो a जो है original set है, और जो b है, वो a का subset है. So let us assume this, let b is a subset of a, ठीक है? अब देखो इन दोनों के बीच में एजेस कब होंगी, इन दोनों के बीच में एज कब होगी, जब इनका जो इंटरसेक्शन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन जो बी होगा वो एग्जैक्टली 2 में रिजल्ट करेगा, यानी कि दोनों के अंदर एग्जैक्टली 2 ऐसे एलिमेंट होंगे जो सेट ए के अंदर भी है और जो सेट बी के अंदर भी है. तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी सेट लेता हूँ, ठीक है, इफ़ आई से वी टेक अ सेट, लेट अस सपोज सी विच इज़ हैविंग द एलिमेंट ई वन, ई टू, अप टू सो ऑन ई एक्स, ई वाई, अगर आपके पास ये भी कोई भी सेट है, राइट, तो इन दोनों सेट के बीच में एजेस कब होंगी, इन दोनों सेट के बीच में एजेस कब होंगी, जब दोनों का जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन सी वो एग्जैक्टली 2 को देगा. अब इंटरसेक्शन एग्जैक्टली 2 कैसे देगा, लेट अस अज्यूम अगर सी के अंदर जितनी भी बी के अंदर के एलिमेंट है वो नहीं है, अगर मैं बोलता हूँ कि सी की जो कार्डिनैलिटी है, लेट अस सपोज द कार्डिनैलिटी ऑफ सी इज मे बी एम, ठीक है, तो इस कार्डिनलिटी m में से हम वो सभी एलिमेंट्स को हटा दो जो कि b के अंदर हैं. थोड़ा ध्यान से समझना इसको, जो c है वो भी a का सबसेट है, जो b है वो भी a का सबसेट है, राइट, और हम बोलते हैं कि b और c के बीच में एज तब होगी जब b इंटरसेक्शन c जो है वो 2 आएगा. तो इसका मतलब c और b के बीच में एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट कॉमन है, वो एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं, ठीक है. तो इसका मतलब है जो एलिमेंट b के अंदर है वो सभी एलिमेंट c में नहीं है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट c के अंदर है, राइट. अगर सी के अंदर एम कार्डिनैलिटी है और सी के अंदर के बी के अंदर के कार्डिनैलिटी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, लेट अस मेक वन मोर अजम्पशन, लेट अस सपोज सी जो है वो एक बिगेस्ट सेट है, सी इज ए बिगेस्ट सेट, सी जो है वो बिगेस्ट सेट है विच इज इन विच सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, ठीक है. तो उस केस में क्या होगा, जो सी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी एन माइनस के प्लस 2. अब इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, एन यानी कि जो भी एलिमेंट सेट ए के अंदर आता है वो सारे एलिमेंट माइनस के, यानी कि जो एलिमेंट बी में है उसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, प्लस 2 यानी कि इसमें से सिर्फ 2 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो सी के अंदर आएंगे, ठीक है, समझो मेरी बात. बट आई एम ट्राइंग टू से लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. तो हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है आपके पास C और एक सेट है आपके पास B, such that C intersection B is equal to 2 and C is a biggest set. C जो है वो एक biggest set है जहाँ पर which is a subset, which is a subset of the set A, as well as B also a subset of set A, and C intersection B will be 2. तो ये जो तीन conditions है, ये conditions आपकी satisfy होनी चाहिए. तो C कुछ इस तरीके का set है. तो C के अंदर elements है, element E1, element E2, up to so on, element EX, element EY, right? उसी तरीके अंदर B के अंदर element है, element M, element N, up to so on, element EX and element EY, ठीक है? अब C की cardinality कितनी होगी? C के अंदर कितने element होंगे? Which is N minus K
प्लस टू, एन मतलब वो सभी एलिमेंट जो एक इस पूरे सेट ए के अंदर आते हैं. सो ए इज अ पेरेंट सेट राइट, तो जो सभी एलिमेंट ए के अंदर आते हैं वो सभी एलिमेंट आएंगे, माइनस वो सभी एलिमेंट जो बी के अंदर है वो सी के अंदर नहीं आएंगे, प्लस सिर्फ जो बी में है उसमें से सिर्फ दो ही एलिमेंट सी के अंदर आएंगे. तो सी के जो कार्डिनैलिटी है दैट विल बिकम एन माइनस के प्लस टू. अंडरस्टूड राइट? यानी कि अगर इन दोनों के बीच में सिर्फ दो ही एलिमेंट कॉमन है राइट, ऐसे बहुत सारे सेट सी हो सकते हैं. वी कैन हैव अ सेट सी आई, वी कैन हैव अ सेट सी जे, वी कैन हैव अ सेट सी के, इस तरीके से ऐसे बहुत सारे सेट हो सकते हैं जिनमें सिर्फ दो ही एलिमेंट कॉमन है बी के साथ राइट. देन ओनली वी कैन हैव एन एज बिटवीन सी आई, वी कैन हैव एन एज बिटवीन सी जे, वी कैन हैव अ एज बिटवीन सी के, बिकॉज उनके बीच में सिर्फ दो ही एलिमेंट कॉमन है. नाउ माई क्वेश्चन इज, अगर बी के अंदर टोटल के एलिमेंट है तो ये जो दो एलिमेंट आपने चूज करे, ये दो एलिमेंट कितने तरीके से चूज किए जा सकते हैं? How many ways you can select these two elements which are common between B and C? So that is KC2. Combinations का formula है कि KC2 ways में आप इनमें से KC2 ways में से इन दो elements को choose कर सकते हैं, ठीक है? और जो भी इस C के जो भी subsets होंगे right? तो उन सभी subsets के अंदर जो बाकी बचे हुए ये element है, ये जो बाकी बचे हुए element है, इन सभी एलिमेंट के पास चॉइस है, या तो वो उस सेट के अंदर आएंगे या फिर वो सेट के अंदर नहीं आएंगे. तो हर एक के पास दो चॉइसेस हैं. तो ऐसे कितने सेट पॉसिबल है बी, ऐसे कितने सेट पॉसिबल है लाइक सी आई, सी जे, सी के, जहाँ पर बी के साथ एग्जैक्टली दो एलिमेंट कॉमन है? तो कितने होंगे? 2^n-k मल्टीप्लाइड बाई के सी टू. ये इतने सेट पॉसिबल हैं राइट. अब ये जो वैल्यू है 2^n-k राइट, ये क्यों आया? बिकॉज इसके हर एक एलिमेंट के पास टोटल दो चॉइसेस हैं, या तो वो इसके सी के सबसेट में आएगा या नहीं आएगा राइट. तो वो कितने एलिमेंट थे आपके पास? एन माइनस के. और ये के सी टू कौन से? वो दो एलिमेंट जो बी में भी हैं और इन सभी सेट्स में भी हैं, उनको कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है? तो आएगा पास 2^n-k मल्टीप्लाइड बाई के सी टू. तो ये आपका एक फॉर्मूला बना. अब इसके बाद करना ये है कि हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो ऐसी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए राइट, किसी भी वर्टेक्स मतलब कितने किसी वर्टेक्स की मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो वो ये सभी सबसेट है जहाँ पर बी जो है उनसे कनेक्ट होगा राइट. सो बी विल बी हैविंग एन एज, विल बी हैविंग एन एज विद दीज मैनी वर्टिसेस. बी जो है इतने वर्टिसेस के साथ एज होंगे, बिकॉज इतने ऐसे सेट होंगे जिनके साथ बी के सिर्फ दो एलिमेंट कॉमन है राइट. तो यानी कि जो डिग्री वर्टेक्स बी है उसकी डिग्री होगी ये. सो दिस विल बी से कॉल्ड एज ए डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स राइट. अब हमें बताना है कि जो ये जो वर्टेक्स है इसकी डिग्री जो है वो मैक्सिमम किस केस में होगी, इन विच केस दिस डिग्री विल बी मैक्सिमम. सो वट यू कैन डू इज टेक एनी वैल्यू ऑफ n which is greater than 6, यानी कि you can take n is equal to 6, 7, 8, 9 and so on, and then take a value of k. तो k की value आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं right? इसकी value minimum 2 क्यों लेंगे? Because out of 2 object only you can choose 2 object right? तो minimum k की value होगी आपके पास 2. तो what you can do is you can use this formula. तो let me write it again. तो formula आपके पास क्या बना? kc2 multiplied by 2^n-k. Now what you have to do is take n is equal to 6, 7, 8, 9 and so on, and take the value of k is equal to 2, 3, 4, 5 and so on, and then you have to check kis case mein you are going to get this maximum value. Ab check karne ke bhi do tarike hain. The first method is by doing differentiation. So you can differentiate this with respect to k. Right, so you can make d by dk kc2 multiplied by 2^n-k and you can equate it to 0. So by differentiating it, aapko k ki value mil jayegi. This is one method. The second method is put the value of k, right? So second case mein let k is equal to 2, let k is equal to 3, let k is equal to 4 and then check what is the maximum value you can get. To usme aapko maximum value kya milegi, theek hai? So after putting these values, अगर आप इनकी value को put करते हैं, ठीक है, so let n is equal to 6 and k is equal to 2. So you can take the first case. Second case is let n is equal to 7 and 6 and k is equal to 2. This is the second case. Third case, let n is equal to 6 and k is equal to 3. So this is 3 and this is 4.
So every time you have to increase the value of k. Again, let n is equal to 6 and k is equal to 5. So you have to increase the value of k. ठीक है, तो अगर आप इन वैल्यूज को फुल डालेंगे इसके अंदर, सो दिस केस विल बी 2c2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस्ट पावर 6 माइनस 2. द सेकंड वैल्यू विल बी 3c2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस्ट पावर 3 माइनस 6 माइनस 3. दिस इज गोइंग टू बी 6 माइनस 3. सो इस केस में आपके पास आएगा 4c2 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 6 minus 4. इस केस में 5c2 multiplied by 2 raised to power 6 minus 5. And from all of these, you will identify that you are getting a maximum value in this case. आपको जो maximum value मिल रही है, वो सिर्फ इसी केस में मिल रही है. In other cases, you are not getting a maximum value. Therefore, the correct answer for this problem will be option number C. So you can see this question is very beautiful. बहुत beautiful question है, बहुत अच्छे तरीके से formulated question है. और इसको exam में काफी बच्चे ऐसे कम है, काफी कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इस question को actual में attempt किया होगा. But this question is quite difficult for the examination. But still the correct answer is option number C. ठीक है. Next question is, which one of the following is true for any simple connected undirected graph with more than two vertices? अगर किसी भी graph के अंदर दो से ज़्यादा vertices हैं, तो इसके में से कौन सी statement true है? पहला, no two vertices have the same degree. This is false because हमने Hewell-Hakimi procedure किया था और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी graph में अगर दो से ज़्यादा vertices हैं, तो उस graph के अंदर दो vertices की degree same होगी ही होगी, right? तो यहाँ पर option number B है, at least two vertices have the same degree. This is true, Hewell-Hakimi procedure as you can say. At least three vertices have the same degree. तो at least जो है वो two की degree same होगी, at least में three नहीं आएगा, ठीक है? So all vertices have the same degree. This might be true. ये true है, but आप check कर सकते हो जो option number B है, वो option number C को भी cover कर रहा है और वो option number D को भी cover कर रहा है. So option number D is a subset of option number B. Option number C is a subset of option number B. तो अब यहाँ पर जो answer देंगे, that will be option number B. So option number B is a correct answer for this given question. Next question is, the degree sequence of a simple graph is a sequence of the degree of the nodes in the graph is decreasing order. Which of the following sequence cannot be the degree sequence of the graph? So basically, यहाँ पर उन्हें Hewell-Hakimi procedure को ही पूछा है, and we have already covered the Hewell-Hakimi procedure in our class. Let me solve the question. तो first आपके पास है 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2 and 1. So during इन Hewell-Hakimi procedure, अगर आपने नहीं पढ़ा है, if you are looking at this video, अगर आपने Hewell-Hakimi procedure नहीं पढ़ा है, go to my video and study Hewell-Hakimi. तो जैसे 7 है, so what you can do is 7 को अगर आप हटाएंगे, तो 7 vertices से हमें minus 1 करना पड़ेगा, right? So this value will become 5, 4, 3, 3, 2, 1 and 0, correct? Now we can again you can see कि यहाँ पर odd degree के even vertices हैं. So again, if I remove 5, तो 5 vertices से हमें minus 1 करना पड़ेगा, right? So this value will be 3, 2, 2, 1, 0 and 0, right? Again, you can see कि यहाँ पर odd degree के even vertices हैं. अगर आप 3 को हटाएंगे, तो 3 vertices से हमें minus 1 करना पड़ेगा. So this value will be 1, 1, 0, 0, 0. अब you can clearly see, यहाँ पर अब आपके पास 2 even number of 1s आ चुके हैं. Now you can clearly see कि for this, you can create a graph and this sequence is graphical. ये sequence जो है वो graphical है. So option number 1, the first sequence is graphical. ठीक है? Let us look at the second sequence. Second sequence is 6, 6, 6, 6, 3, 3, 2, 2. तो सबसे पहला चीज़ क्या देखना है? कि यहाँ पर odd degree के even number of vertices होना चाहिए, which is true. Now let us apply Hewell-Hakimi. 6 को हटाएंगे, तो हम 6 vertices में से we are going to subtract minus 1. So value will be 5, 5, 5, 2, 2, 1 and 2. So again you can sort it, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा. Now अगर हम 5 को हटाएंगे, तो 5 vertices minus 1 करना है. So this value will become 4, 4, 1, 1, 1, 1. Now again 4 को हटाएंगे, तो minus 1, 4 vertices में से हमें करना है. So this value will become 3. This will become 30001. Again, आप इसको sort करेंगे, so it is 31000, right? तो अब आप check करेंगे, अगर आप 3 को हटाएंगे, तो आप 3 vertices minus 1 करेंगे, so value will be 0, minus 1, minus 1, 0. अब because हमारे पास ऐसे 2 vertices हैं, जिनकी degree negative आई है, vertices cannot have a negative degree,
therefore option number 2 cannot be created. Okay, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो पहला सीक्वेंस है वो ग्राफिकल है, सेकंड सीक्वेंस ग्राफिकल नहीं है. तो इसी से आप दो ऑप्शंस को तो यहाँ से ही एलिमिनेट कर सकते हैं. अब जैसे चांस बिटवीन ऑप्शन नंबर ए एंड डी, तो ए में क्या फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट हमने देखा वो ग्राफिकल है, तो यानी कि अब हमें डायरेक्टली सिर्फ फोर्थ को चेक करना है. तो फोर्थ को चेक करते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ चेकिंग द थर्ड वन. तो हमारे पास आ रहा है 7 8 7 7 6 4 2 1 एंड 1. अगर हम 8 को हटाएंगे तो 8 वर्टिसेस में से हमें माइनस वन करना पड़ेगा. और आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर टोटल ये जो माइनस वन है उसको आप किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. तो देख सकते हो जो फोर्थ है वो भी ग्राफिकल नहीं है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ सीक्वेंस आर नॉट ग्राफिकल. नाउ दिस इज अगेन अ डायरेक्ट थ्योरम. दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ. पहला, द नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इज इवन. किसी भी ग्राफ में नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इवन होते हैं, दिस इज ट्रू. हमने इसको चेक किया था. सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑड वर्टिसेस आल्सो इवन, दिस इज आल्सो ट्रू. ये डायरेक्ट थ्योरम्स हैं फ्रॉम योर बुक. तो जो पी एंड क्यू बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है इस केस में. अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम हेविल हैकमी प्रोसीजर. उन्होंने चार सीक्वेंसेस दिए हैं, दे आर आस्किंग विच ऑफ दिस सीक्वेंस इज ग्राफिकल. इसमें से कितने सीक्वेंस जो है वो ग्राफिकल है. तो जो पहला सीक्वेंस है उसमें सभी वर्टिस की डिग्री वन है, यानी कि नंबर ऑफ वर्टिसेस आर शुड बी इवन. तो 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस है जिनकी डिग्री वन है, विच इज ट्रू. तो ये ग्राफिकल है, दिस इज ग्राफिकल. आप इसका ग्राफ बना सकते हैं. सेकंड केस में सभी वर्टिसेस की डिग्री 2 है, तो लेट अस चेक कि ये ग्राफिकल है कि नहीं है. तो वी हैव 2 2 2 2 2 एंड 2. तो अगर आप इसको हटाएंगे, दो वर्टिसेस माइनस वन करेंगे, सो इट विल बिकम 2 2 2 1 1. अगर आप इसको हटाएंगे, दो वर्टिसेस में से माइनस वन करेंगे, सो दिस विल बिकम 1 1 1 1. अगर आप चेक कर सकते हो, देयर आर इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस विद डिग्री 1, तो बी इज ऑल्सो ग्राफिकल. अगर आप थर्ड को चेक करेंगे, सी को, तो सी में क्या आपके पास देयर आर ऑड डिग्री के इवन वर्टिसेस है. तो लेट अस चेक, इसको अगर हटाएंगे तो 3 वर्टिसेस माइनस 1 किया, सो दिस विल बिकम 2 2 0 0 0. अगर इसको हटाएंगे तो माइनस वन यहाँ से होगा, लेकिन इस वजह से हमें माइनस वन एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी. यानी कि इस केस में आप ऑप्शन नंबर सी के लिए ग्राफ नहीं बना सकते. ऑप्शन नंबर सी इज नॉट ग्राफिकल. यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो है वो ग्राफिकल नहीं है. लेट अस चेक फॉर ऑप्शन नंबर डी. तो वी हैव 3 2 1 1 1 0. तो 3 को अगर आप हटाएंगे, 3 वर्टिसेस में से माइनस 1 करना है, सो 1 0 0 1 0. और यहाँ पर चेक कर सकते हो, देयर आर इवन वर्टिसेस ऑफ डिग्री 1. तो यहाँ पर इसको भी ग्राफिकल किया जा सकता है, इनकी इसके लिए भी ग्राफ बना सकते हैं. ओनली फॉर ऑप्शन नंबर सी यू कैन नॉट मेक अ ग्राफ. ऑप्शन नंबर सी इज नॉट ग्राफिकल. ठीक है, सो नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन. इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हियर. तो व्हाट दे आर आस्किंग इज, G is an undirected graph with n vertices. एक graph के अंदर n vertices हैं and 25 edges such that each vertex of G has a degree of 3. हर एक vertex की जो degree है वो 3 है, यानी कि आपके पास total degree कितनी होगी, आपके पास 3n. और total edges कितनी है आपके पास, 25. तो हर एक edge जो है वो degree में दो बार contribute करती हैं, यानी कि 25 into 2 should be equal to 3n. ठीक है, तो ये कहाँ से है आपके पास, this is average degree theorem. एवरेज डिग्री थ्योरम कहो, या फिर ये कहो कि हर एक एज दो बार डिग्री के साथ कंट्रीब्यूट करती हैं. तो आप इसको चेक कर सकते हो, नंबर ऑफ डिग्री मल्टीप्लाइड बाय, मतलब यहाँ से भी क्या आएगा आपके पास, टोटल डिग्री. ये भी टोटल डिग्री है क्योंकि हर एक एज दो बार डिग्री में कंट्रीब्यूट करती है, सो 25 into 2. और ये भी क्या आएगा आपके पास, टोटल डिग्री. अगर हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 है और n वर्टिसेस है, तो आपके पास 3n आएगा. दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए. नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है. तो आप यहाँ से देख सकते हो, इट विल बी 50 इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा होने चाहिए. सो यू कैन सी 50 नंबर ऑफ वर्टिसेस शुड बी ग्रेटर देन दिस, सॉरी दिस इज, दिस शुड बी दिस वे. ओके, डू इट दिस वे. तो अभी हमने इक्वल टू साइन लिया है, बट अगेन आप इसमें इक्वल टू साइन की जगह पर यू कैन ऑल्सो यूज दिस मिनिमम डिग्री थ्योरम. सो विच इज अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस डिवाइड बाई वी इज लेस देन इक्वल टू बीटा. सो दिस इज मिनिमम डिग्री, दिस इज एवरेज डिग्री एंड दिस इज मैक्सिमम डिग्री. तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते थे, और आप यहाँ से भी कुछ वैल्यू को निकालेंगे, सो विल गेट 50 इज इक्वल टू 3n. सो n इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3, विच इज इक्वल टू 16.667. बट यहाँ पर जो है हमें इक्वल टू साइन मिला है, वी कैन नॉट फाइंड कि लेस देन और इक्वल टू साइन हमें नहीं मिला.
अब लेस देन और इक्वल टू साइन कैसे मिलेगा हमें? सो उसके लिए तो हमें बताना है कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 है, हैज एटलीस्ट 3. हर एक वर्टेक्स की डिग्री है वो एटलीस्ट 3 है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली. तो ये जो वर्ड है एटलीस्ट, इसको कभी नहीं मिक्स करना चाहिए. दिस इज एटलीस्ट 3, राइट? तो यानी कि इन्होंने जो मिनिमम डिग्री है अल्फा वो गिवन है. सो वी नो कि मिनिमम डिग्री अल्फा जो है वो 3 है, और एवरेज डिग्री कितनी होगी? 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस विच इज 25 डिवाइड बाई नंबर ऑफ वर्टिसेस विच इज एन. तो यानी कि हम इस पार्ट का यूज करेंगे फॉर्मूले का. सो यू कैन से 3n इज लेस देन इक्वल टू 50. सो यू कैन से n शुड बी लेस देन इक्वल टू 16.667, राइट? अगर आप इसमें, अगर ये क्वेश्चन होता एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली में आंसर होता आपके पास टोटल 16. अगर एटलीस्ट है तो एटलीस्ट का मतलब है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो 16 से कम होना चाहिए, राइट? लेस देन और इक्वल टू 16. सो द करेक्ट आंसर इज 16. ठीक है, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन वॉज यूजफुल फॉर यू.